कहानी का नाम है फ्रेंड सीट। मोटर लारियों में ड्राइवर के पास वाली सीट कुछ वैसे ही सम्मान से देखी जाती है जैसे राज सिंहासन, और जैसे हर वॉलंटियर को नेता कहलाने की ख्वाहिश होती है, और हर नए कांग्रेसी को मंच पर फफक कर चढ़ने की हविस मन में रहती है, और जैसे हर बाबू बड़े बाबू की कुर्सी की ओर ललायित नेत्रों से देखता है, और जैसे हर गबदू ग्रेजुएट वाइस चांसलर बनने की इच्छा मन में पाले रहता है, उसी प्रकार मोटर का हर मुसाफिर फ्रंट सीट पर बैठने की अभिलाषा रखता है, और फ्रंट सीट पर आराम मिलता है, निर्विवाद है। हाँ, पेट्रोल की गंध घ्राणेन्द्रिय में घुसकर कुछ प्रोग्राम करने लगती है, उससे जरा तकलीफ होती है तो सहना ही चाहिए, और गौरव के साथ। फूल को तोड़ने में कांटा यदि चुप जाए तो अवहेलना ही तो की जाती है। मोटर खड़ी थी, धीरे धीरे भर रही थी। अधिकांश मुसाफिर धारा सभा के सोने वाले सदस्यों की भांति पीछे की सीटों पर बैठ गए। सभी मुसाफिर फ्रंट सीट पाने की इच्छा करते हो, ये बात नहीं है। 100 में 90 तो उसे अपने अधिकार के बाहर की समझ, पहुंच से परे समझकर उसके बारे में सोचते तक नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं जो हर कठिनाई को बचाकर किसी प्रकार खिसकते हुए जिंदगी की राह पर चलते हैं। ये ऐसे मुर्दे होते हैं कि जहां है वही रहना परम भाग्य समझते हैं। ये संदोषी नहीं होते, कायर होते हैं, बुजदिल होते हैं। अपने अधिकारों में से बहुत से ये दूसरों के लिए छोड़ रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो झंझट पसंद नहीं करते। सरलता से अगर इन्हें पेट भरने को चने मिल जावे तो रोटी की इच्छा नहीं करेंगे। पर हर लारी में मैंने देखा है दो चार तो ऐसे निकल ही आते हैं जो फ्रंट सीट पाने में उम्मीदवार होते हैं। ये लोग वे होते हैं जिनका दर्जा सामान्य जनों से धन या विद्या या बाहुबल या राजपद के कारण कुछ ऊंचा होता है। मेरी इस मोटर की फ्रंट सीट के आसपास भी तीन चार आदमी घूम रहे थे। एक कॉलेज का विद्यार्थी, निहायत अच्छे कपड़े, सिगरेट पकड़ने और कश खींचने से ऐसा लगता था कि आज ही कल में सीखा है, और डरता है उस ओर से पिता या चाचा न निकल पड़े। एक अच्छा तगड़ा खुश मिजाज जवान, एक पढ़े लिखे सेठ किस्म का आदमी, और एक अधेड़ जो टॉप लगाए था पर बीड़ी पी रहा था। और मैं फ्रंट सीट का उम्मीदवार और नहीं, पर उम्मीदवारों के क्रियाकलापों, झपट झंझट आशा निराशा बातचीत का आनंद लेने वाला। सबके पहले वह सेठ नुमा आदमी बैठा। कंडक्टर आया और बोला, सेठ जी, वर्मा साहेब थानेदार बैठेंगे इस सीट पर। सुनते ही सेठ तो भागा पीछे और एक कोने में बैठ गया। इतने में चाय पीकर वह गठीला मोटा जवान आ चुका था। आसपास एक दो और लड़के थे, मस्त स्वभाव का था, मेरे साथ ही दृश्य का मजा ले रहा था। बोला, देखा आपने बनिया कैसा भागा थानेदार के नाम से। इसके बाद वही टॉप और बीड़ी की मिश्रित सभ्यता वाला आदमी बैठा। कंडक्टर आया और कहने लगा, साहब सीट रिजर्व है, वर्मा साहब ने सवेरे से बोल दिया है। उस आदमी ने कुछ बहस की और बड़बड़ाता हुआ पीछे बैठ गया। मेरे पास खड़े इस पहलवान ने
फिर एक दहाका मारा और जाकर उस सीट पर बैठ गया। कंडक्टर आया और वर्मा साहब के नाम की दुहाई देकर उठने को कहने लगा। वह जवान बोला, देखो जी, तुम्हारे वर्मा साहब की ऐसी तैसी, तुम अगर गड़बड़ करोगे तो दो थप लगा कर धूल में लिटा देंगे। जाओ, हम यहीं बैठेंगे। ड्राइवर कंडक्टर दोनों स्तब्ध। पहले दो उम्मीदवारों को जिस तरह निकाला गया था, उस तरह ये बलि तो ठेला नहीं जा सकता। दूसरी नीति से काम लिया गया। कंडक्टर हाथ जोड़ कर बोला, भैया आप तो जानते ही हो, पुलिस वालों की बात न रखे तो हमको आते जाते चालान करें, मोटर बंद करवा दे, हमारी मजबूरी तो आप देखो। वह बेली मुंह चेड़ते हुए बोला, हाँ ऐसा हाथ जोड़कर कहो तब उतरेंगे। जाओ बिठाओ वर्मा को, तुम भी क्या कहोगे, किसी दरियादिल से काम पड़ा था। इस प्रकार वह पहलवान उस सीट को छोड़कर उतरा और अब आया एक कोमलकाय, लजीला पर निर्भीकता और गंभीरता का ढोंग करता हुआ कॉलेज का विद्यार्थी। बेफिक्री से जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। सिगरेट पीने लगा। कुछ ऐसी दृष्टि बनाई कि दुनिया भर को ही कार की नजर से देख रहा है। कंडक्टर फिर आया, बोला, साहब ऐसी ट्रेसर है, वर्मा साहब थानेदार आएंगे। वो बोला, रिजर रिजर का क्या मतलब, थानेदार पीछे बैठ जाएंगे। लेकिन साहब, उन्होंने पहले कह दिया था। पहले करने से क्या होता है, ज्यादा किराया दिया था, नाम दर्ज कराया था, इसी पर कोई भी बैठ सकता है। कंडक्टर क्षण भर मौन रखा, तो टिकट लेने वालों की लिस्ट बताई और बोला, देखिए बाबू साहब, अगर आपकी ही बात मानी जाए तब भी आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका नंबर 11वां है। किताबी ज्ञान वाले कॉलेज बाबू को यह तर्क करना इतना ठीक लगा कि वो बेमन से उठ गया। और इस समय न जाने मेरे मन में एकाएक क्या हुआ कि मैं झपक कर फ्रंट सीट पर बैठ गया। कंडक्टर परेशान, खादी पहने, बाल बैठाए, इस अजीब आदमी से कैसी नीति बरती जाए। और मैं देख चुका था कि मोटर वालों ने भिन्न भिन्न नीतियों से किस प्रकार उस बिनिए को, पहलवान को, बीड़ी और टोप वाले को और उस फूल बाबू को वहां से खदेड़ा था। उनका आखिरी तर्क बड़ा कमजोर था, डूबते को तिनके का सहारा था। बेचारा कोमलॉक बाबू मान गया। कंडक्टर जब आया तो मैंने कहा, उस बाबू का नाम कौन से नंबर पर है? वो वही बैठ सकता है, पर मेरा नाम तो पहले नंबर पर है, इसलिए सीट मेरी है। संयोगवश मेरा नाम सबके ऊपर लिखा था। कंडक्टर परास्त हो गया था, अपने ही हथियार से हाथों हाथ हो गया, कुछ हूं-हां करने लगा। मैंने इतने में सरसरी निगाह से सब लिस्ट देख डाली। इतने में थानेदार साहब आ गए। यहां वहां देख कर मुंह बनाकर बोले, क्यों ड्राइवर साहब, अरे भाई कुछ जगह वगह है कि नहीं? और मैंने कहा, जनाब आपकी तो टिकट ही नहीं कटी और सवारियां पूरी हो, पुलिस वाले बिना किराए दिए भी सफर करते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ये थानेदार साहब भी बिना टिकट दिए जा रहे थे। ये बेचारे कुछ बोले नहीं, चुपचाप कॉलेज के बाबू से पूछा, क्यों बड़े भैया, कोई तकलीफ तो नहीं आपको? 10-5 कंठों ही की हंसी गूंजी और फिर पोम पोम।